मानकू शिवाजी नगर जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है वहां डंपिंग ग्राउंड 1927 में बनाया गया, जमाने से वहां कचरा डाला जाता है। इतनी हालत खराब लोगों की है कि लोगों के घरों में कीड़ा घूमता है और बेचारे वहीं जिंदगी गुजारते हैं। इतनी ज्यादा बीमारी वहां है, इतनी ज्यादा गंदगी है कि लोग कैंसर के मर्ज से और टीबी से हार्ट के पेशेंट मर रहे हैं। मुझे अभी एक डॉक्टर ने कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा कि पूरे देश में, न इसी महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर जो टीबी का सर्वे हुआ है उस सर्वे के मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा टीबी कहीं है तो मानकू शिवाजी नगर में है। ये डॉक्टर का स्टेटमेंट है जो मिनिस्टर के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद वहां पर लाकर के एक और कंपनी बिठा दिया, जितने भी मेडिकल के वेस्ट हैं, दवाएं, आदमियों के हाथ पैर कटे हुए, ऑपरेशन के जो चीज निकलती हैं, रोजाना वहां जलाया जाता है। और एक एनजीओ ने कहा कि हमने जो सर्वे किया है लोगों की एज का एवरेज जहां 60 ईयर्स 65 ईयर्स और जगहों पे है, यहां सिर्फ 39 ईयर्स है। यानी ये बातें मैं 10 सालों से असेंबली में फ्लोर पे बोल बोल करके मैं थक गया हूं। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे बुलाया अपना लक्ष्यवेदी लाया, लक्ष्यवेदी में मंत्री ने इस बात को माना कि हाँ मैं खुद गया था और मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां चेक किया, हमने पॉल्यूशन बोर्ड से चेक किया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वहां पर है, हम आज का आज इसको बंद कर देंगे। एक दिन बंद किया, फिर से चालू हो गया। और उसके बाद मुझे मंत्री ने आश्वासन दिया कि 2021 के पहले यहां से ये कंपनी बंद हो जाएगी। हमने वहां बोर्ड लगवाया, हमने कहा लिख कर रखो, आप लिखो यहां पे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि 2021 के लास्ट में ये कंपनी यहां से चली जाएगी, कंपनी यहां से बाहर भेज देंगे। नहीं गई, आज तक नहीं गई। और अभी तक उनको जहां जो भेज रहे थे वो जहां पे खालापुर के लोग भी वहां नहीं आने दे रहे, वहां भी शायद रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो लोग, ये पूरे मुंबई के शहर के बीच में आज पॉल्यूशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लोग मर रहे हैं, सारी स्थिति गवर्नमेंट के सामने है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी इसके लिए काम करने को तैयार नहीं है। हमने बार बार कहा कि एक और कंपनी इसी तरह की है यहाँ पे अपना तलुजा के अंदर, तलुजा में इसको ट्रांसफर कर दो। तलुजा के जो कंपनी है वो इस डिस्पोजल को लेने को तैयार है। भाई जितना मटेरियल यहाँ जलाया जाता है हम तलुजा में ले लेंगे इसको, लेकिन यहाँ से तलुजा जाने का भाड़ा, सिर्फ भाड़ा बढ़ता है और कुछ उनका रेट कुछ है, गवर्नमेंट उसको बात करके भेज देवे। बार बार आश्वासन होता है, बार बार रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट, आज तक मेरी मांग है ये कि तुरंत इसको तलुजा भेज दिया जाए जितनी जल्दी हो सकता है, और उसके बाद इस कंपनी को जहां भेजना हो भेजो, लेकिन गोंडी से हटाओ, क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिक के बीच में जगह आ चुकी है। अब आज G20 के लोग आए हुए हैं, इसमें 20 मुल्कों से बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वो तय करेंगे देश की सुरक्षा कैसे होगी, देश में बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है। हमने देखा कि पर्दे लगा दिए गए हैं, शर्म नहीं आती। आप अपनी असलियत दिखाई ना, असलियत क्या हमारी है, पर्दे लगा करके आप स्लम को छुपाओगे। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जब लाए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो जहां स्लम था उसको छुपा दिया था। अपनी असलियत दिखाई आप, और आपने जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर जो है HPCL वगैरह के को आपने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। मैंने कमिश्नर से बात किया, बोले हमने बंद कर दिया। मैंने मानकू शिवाजी नगर के क्या किया आपने, मानकू शिवाजी नगर आज भी चालू है, धुआं निकलता है। तो मेरी मांग है कि ये नकली काम बंद करो। मैं G20 के लोगों के बीच में घुस कर जाकर ये मेमोरेंडम देने वाला हूँ कि भाई ये चीज़ें जो आप असलियत देखिए यहाँ पर, इसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से आज मुंबई की हालत इतनी ख़राब है कि पॉल्यूशन के लिए हम बदनाम होते जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई इसके पर स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठा रही है। आप क्या कदम उठाने वाले इसके आगे? हम तो कदम उठा रहे हैं, हम तो कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट हमारा कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। और उसके बाद कमिश्नर साहब से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी टेनर, जब तक मेरा टेनर है उस टेनर में इसको हटा के बताऊंगा। मैं उनसे मिलने वाला था, मुझे टाइम उन्होंने दिया, परंतु अभी वो शायद बोलते हैं G20 के उसमें चले गए, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, मैं अभी उनके अधिकारियों से यहाँ मिलूंगा, बात करूंगा, और हम कोई इस पर ठोस कदम उठाना चाहते हैं। हम पिछले 10 सालों से बार बार सड़क से लेकर के सदन तक इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं, और जनता दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ये आवाज़ आपसे, आपकी द्वारा दिल्ली तक जाना चाहिए, और जो इसके मंत्री उनको सोचना चाहिए कि इसकी वजह से कितने प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। SS कंपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।